सो हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो आज का जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है ह्यूंडई ऑरा, अपर बेस मॉडल है, एस वेरिएंट। तो सबसे पहले तो एक बार मैं यार आपको इसका जो सबसे बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है, ट्राई वो कलर ब्लैक बेज प्लस ब्राउन, क्या भाई अट्रैक्टिव लुक दे रहा है गाड़ी को, लाजवाब एकदम ही बहुत अच्छी लग रही है यार गाड़ी तो। इस कलर में तो बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा बना रखा है। बाकी ये देखिए आप, डोर का कलर देखिए ब्लैक बेज, यहाँ पर भी ब्लैक बेज, ठीक है। एंड पीछे से भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, पीछे की भी बात करेंगे हम, पहले आगे से हम इसका स्टार्ट करते हैं रिव्यू। तो गाइस इसमें जो हमें की मिलती है वो मिलती है हमें ऐसी फ्लिप की मिलती है इसमें हमें, एस वेरिएंट में, ठीक है। तो इसमें जो हमें मिलता है लॉक अनलॉक ऑप्शन और होल्ड, जिसमें आपका ट्रंक गेट खुल जाता है पीछे का। बाकी और इसके साथ ये एक एक्स्ट्रा की मिलती है, ठीक है। तो अब एक बार मैं गाड़ी इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। तो गाइस इसका इग्निशन मैंने ऑन कर लिया, अच्छा है, डिसेंट लुक दे रहा है गाड़ी को। तो बाकी अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें है आपका ब्लैक कलर में ही डोर हैंडल्स, बेज कलर दे रखा है डोर के, अब पूरा कॉम्बिनेशन जो बना रखा है ब्लैक और बेज का बना रखा है। प्लस में लॉक और अनलॉक का बटन आ गया, IRVM ORVM आपका ये कंट्रोल हो गया, लेकिन इसमें आपको इलेक्ट्रिक ORVM नहीं मिलते फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए, आपको खुद से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लस ये आपका हो गया पीछे का चाइल्ड लॉक, यहाँ हो गया छोटी सी स्टोरेज, एंड कुछ यहाँ पे कुशनिंग नहीं है, प्लास्टिक दे रखा है खाली। और ये हो गया आपका हेड लैम्प्स इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। प्लस जो सबसे अच्छा कूल जो लुक मुझे इसकी लगी, एक तो यहाँ के थोड़ा एसी वेंट्स का लुक थोड़ा डिफरेंट है, बाकी यहाँ ड्राइवर सीट का एसी वेंट का यह लुक काफ़ी कूल लगा मुझे इसका। इसमें भी इसमें सिल्वर सेगमेंट फिनिश प्लस आपका ब्लैक मैटी कलर से कवर प्लस ये ब्राउन कलर का जो कॉम्बिनेशन लगा रखा है एसी वेंट पे, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। आई होप यहाँ पर भी यही देते तो और भी गाड़ी अच्छी लगती है अंदर से, बट कोई इशू नहीं है भाई, गाड़ी अभी भी बहुत जच रही है। बाकी आप देखिए इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली एनालॉग देखने को आपको मिलेगा, मिड में मिल जाएगी आपको MID। एंड इसके अगर सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है नॉर्मल टच म्यूजिक सिस्टम, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं मिलेगा आपको। बाकी इसमें आपको ऑडियो कनेक्टिविटी और आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड सब चीज़ें इसमें आपको, कनेक्टिविटी बेसिक सी जो चीज़ कवर होती है वो सब इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपके हो गए एसी वेंट, ठीक है। एंड ये आपका यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक की जगह यहाँ पर आपको मिलेगा मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। ऑप्शंस इसमें 1-4। एंड ये आपकी हो गई ऊपर की लाइट्स, ये मिलेगी आपको हैलोजन बल्ब में। बाकी यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ स्टोरेज, यहाँ पर वैसे वायरलेस चार्जिंग की जगह होती है बाकी गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में, बट इसमें आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएगी स्टोरेज। ये आपका हो गया USB का सॉकेट, ये हो गया आपका फास्ट चार्जिंग का सॉकेट, ये हो गया AC ऑन ऑफ करने के लिए, ये हो गया इसके सारे मोड्स, ये हो गया इसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। इसमें टोटल आपको जो मिलते हैं 5 गियर मिलते हैं, रिवर्स का, बैक, बाकी सारे नॉर्मल जो पहले सेगमेंट की गाड़ियों में आते थे, अभी भी आ रहे हैं काफ़ी गाड़ियों में। प्लस ये देखिए ये जो गेयर बॉक्स का इन्होंने जो डिज़ाइन दिया है ब्राउन कलर में, तो मतलब यार इतने ही प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा अच्छा इंटीरियर को काफ़ी अच्छा लुक देने की कोशिश करी है, और जो लिटरली आ भी रही है तो बहुत अच्छी लुक आ रही है अंदर से। तो और गेयर लीवर नॉर्मल है, ठीक है। बाकी ओवरऑल लुक जो आ रही है अंदर से गाड़ी की वो काफ़ी अट्रैक्टिव आ रही है। एंड इसका जो आपको MID का जो कंट्रोल मिलेगा वो आपको स्टीयरिंग पर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको स्टीयरिंग पर जो मिलेगा वो इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल मिलेगा। MID का कंट्रोल जो मिलेगा आपको यहाँ इस लीवर पर मिलेगा, इस लीवर को अगर आप पुश, एक सेकेंड, इस लीवर को अगर आप पुश करेंगे तो जब आपको चीज़ें इसमें चेंज होंगी MID स्क्रीन में आप देखेंगे, रेंज दिखाएगा, एवरेज दिखाएगा, किलोमीटर पर लीटर क्या दे रहा है, ठीक है। एंड बेसिक सी चीज़ें, टाइम वगैरह, ये सब चीज़ें दिखाएगा आपको। प्लस इग्निशन ऑन का आपको यहाँ कि इग्निशन ऑन है उसका लाइटिंग ऑन मिल जाएंगे आपको। प्लस ये हैंड ब्रेक की होगी सबसे आखिरी में, हमारा हैंड ब्रेक आपको यहाँ लीवर मिलेगा, हैंड ब्रेक का लीवर मिलेगा। यहाँ पे कुछ आर्म रेस्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको आर्म सपोर्टर नहीं मिलेगा, कुछ यहाँ आपको लाइक बॉटल होल्डर मिल जाएगा, बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। बाकी आपका हो गया रियर मिरर, हो गया IRVM, ये आप इसको मैनुअली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस जो इसमें स्पीकर दे रखे हैं वो हैं आपके 1, 2, 3, 4 स्पीकर दे रखे हैं, और प्लस यहाँ से जो भी आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करेंगे तो जो भी आप कॉल का यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए यहाँ से आपको वॉइस क्लिक होके आपके स्पीकर्स में आएगी,
बाकी आपको इसमें यूएसबी का भी ऑप्शन, ब्लूटूथ का ऑप्शन, एफएम का ऑप्शन, फ़ोन कनेक्टिविटी का, ठीक है, एंड काफ़ी चीज़ें, मतलब जो बेसिक सी जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको इस सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगी। बाकी चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पर। बाकी गाइस अब मैं आगे इसके रियर कैबिन में आ गया, तो रियर कैबिन में मैंने आगे से एक बार दोबारा देखे लुक, यार लुक तो काफ़ी अच्छी आ रही है, ठीक है, 6 से 6.5 लाख की गाड़ी में इतनी अच्छी लुक मिल रही है और क्या चाहिए यार। आजकल तो प्राइस ही इतने हाई, मतलब हाइक हो रहे हैं गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी आगे पहुंच रही है कि इतनी ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें हो रही हैं। आज से पहले कुछ सालों पहले क्रेटा आती थी 15 लाख की, अब आ रही हो 21 लाख की, ठीक है, और एक क्रेटा ही नहीं काफ़ी चीज़ों के यार प्राइस बढ़ गए। तो इस सेगमेंट में, इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा बेसिक फीचर्स से ऊपर थोड़ा एवरेज फीचर्स और प्लस आपके लुक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यार गाड़ी के, नो डाउट। तो 6.5 लाख तक की काफ़ी डिसेंट गाड़ी बना रखी है। बाकी बात करूँ मैं अपने लेग रूम के, तो लेग स्पेस जो है मेरा अच्छा है, मतलब इतना भी मतलब इतना स्पेस नहीं आ रहा, लेकिन मे भी इसलिए आ सकता है कि मैंने आगे की सीट थोड़ी एडजस्ट नहीं करी है। बाकी फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लेग रूम मिला है, ठीक है, मैं इजीली एडजस्ट होकर बैठा हूँ। और यहाँ पे साइड की अगर मैं बात करूँ तो साइड में भी यार काफ़ी अच्छी खासी मुझे स्पेस लग रही है। मेरी हाइट है 6 फीट और मेरे साथ भी इजीली यहाँ और दो लोग कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। बाकी ये हो गए आपके रियर इसीवेंट्स, यहाँ सिल्वर सेगमेंट की फिनिश थोड़ा सा प्रीमियम लुक बनाने के लिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा नीचे एक सॉकेट मिल जाएगा आपको, पीछे कुछ यहाँ मिल जाएंगे आपको स्पीकर्स, इस गेट इस डोर पे भी और यहाँ के डोर पे भी ये मिल जाएगा आपको पावर विंडो, और यहाँ पे कुछ आपका स्टोरेज, प्लस यहाँ पे आपको ब्लैक डोर हैंडल मिल जाएंगे, प्लस रियर का यहाँ पे आपको मिल जाएगा रूफ लैंप हेलोजन बल्ब में, एंड पीछे ही आपकी हो गई पार्सल ट्रे, कुछ आप छोटा मोटा यहाँ पे सामान भी पीछे स्टोर कर सकते हैं। बाकी अगर गाइस मैं इसकी बात करूँ सिटिंग अपहोल्स्ट्री की, तो यार काफ़ी अच्छा मुझे कुशनिंग इफेक्ट और कंफर्टेबल होकर मैं बैठा हूँ। तो सिटिंग कंफर्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कंपैटिबल और काफ़ी कंफर्टेबल होकर मैं इजीली बैठा हूँ, ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आई गेस इसी गाड़ी के अंदर मैं काफ़ी लॉन्ग टूर भी इजीली कंफर्टेबल होकर कवर कर सकता हूँ। तो कोई भी मतलब ऐसा कोई भी गाड़ी में मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं दिखी है, क्योंकि प्राइस भी यार काफ़ी कम है, 6.5 लाख की गाड़ी है, एंड इस 6.5 लाख की गाड़ी में भी आपको फीचर्स भी ऑन एंड अबव एवरेज मिल रहे हैं। तो बढ़िया गाड़ी है यार एकदम, नो डाउट, और प्रीमियमनेस तो आप देख ही सकते हैं, क्या ट्रायो कलर का क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन यूज़ करा हुआ है। ये देखिए आप हेड स्पेस बिल्कुल ही मतलब पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, मैं इजीली नेक मूव तो कर पा रहा हूँ, बट रीज़न ये है कि अगर 6 फीट से कोई ऊपर बैठेगा तो उसको मे बी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हेड स्पेस थोड़ा सा मुझे कम लगा, 6 फीट की मेरी हाइट है तो हेड स्पेस तो मुझे थोड़ा सा कम लगा, बट इतना भी कम नहीं है कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाऊँ, कंफर्टेबल में बैठा हूँ, बट हेड स्पेस थोड़ा सा तो यार कम है। बाकी इसकी बात करें तो यहाँ पे मुझे दे रखा है नेक रेस्ट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बट ये एडजस्टमेंट वाला नहीं है, तो ये यहाँ पे आपको एक सिंगल जगह ही रहता है ये आपका नेक रेस्ट, यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्म रेस्ट अभी मैं इसको पॉलिथिन लगी हुई है तो मे बी ये बाहर नहीं आएगा, तो आर्म रेस्ट मिला हुआ है विद 2 कप होल्डर्स, इसमें आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। बाकी यार ओवरऑल गाड़ी की बात करूँ तो ओवरऑल गाड़ी में तो भाई नो डाउट कोई मुझे अभी तक इसमें प्रॉब्लम लगी, मुझे तो यार किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है, बट हाँ इसका एक डिसएडवांटेज लगा कि मुझे थोड़ा सा हेड स्पेस थोड़ा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत कम लगा, बट इतना भी कम नहीं है कि मैं उसको कंफर्टेबली मैं इस गाड़ी में ना बैठ पाऊँ, तो कंफर्टेबल होकर मैं बैठा हुआ था। बाकी इसकी अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो एक एयरबैग आपको यहाँ, एक एयरबैग आपको वहाँ मिल जाएगा, प्लस आपको फ्यूल वार्निंग मिल जाएगी, इसमें आपको ABS विद EBD भी मिल जाएगा, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाएगी, डी फॉगर मिल जाएगा। तो यस डिसेंट सेफ्टी फीचर्स इसमें दे रखे हैं, जो बेसिक होने चाहिए वो तो है ही, तो उससे एक आधा फीचर और ऊपर दे रखा है इसमें, तो सेफ्टी फीचर्स में भी कोई कमी नहीं करी गई है इस गाड़ी में। बाकी यार इसमें ये जो ब्लैक और बेज का जो कॉम्बिनेशन है ना, ब्लैक और बेज का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रेटा में भी टॉप मॉडल में टर्बो में तो नहीं आता, लेकिन हाँ एक्स वेरियंट में आता है उसमें मैनुअल में, तो ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाड़ी तो यार प्रीमियम लुक दे रही है एकदम, नो डाउट बहुत बढ़िया गाड़ी लग रही है इस प्राइस सेगमेंट में, 6.5 लाख की गाड़ी में, और इससे अच्छा भी गाड़ी कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती थी।
पीछे पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट भी प्रोवाइड करी हुई है, तो ये सेफ्टी फीचर्स का ही पार्ट है यार। तो काफ़ी अच्छी सेफ्टी फीचर्स भी इसमें बेसिक दे ही रखे हैं, ठीक है। तो इस बेसिक वेरिएंट में यार, अपर बेस वेरिएंट में तो अच्छे खासे फीचर भी हैं, अच्छा खासा सेफ्टी फीचर भी दे रखे हैं, और इससे ज़्यादा और क्या ही हम एक्सपेक्ट करेंगे इतने प्राइस सेगमेंट में। तो नो डाउट बढ़िया है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। बाकी इसकी सीट पे आपको ये हाइट एडजस्टमेंट का भी मिल जाएगा ऑप्शन, हाइट भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें एडजस्ट कर सकते हैं सीट में। बाकी देखिए गाड़ी की लुक भाई, बहुत बढ़िया लग रही है इस प्राइस सेगमेंट में गाड़ी।